और जब जब और कुछ से युद्ध में राम पराजित हो गए, अपने पुत्रों से युद्ध में पराजित हो गए, जब कुछ तो मालूम था ही नहीं, उन्हें तो अपनी जिंदगी में पिता को देखा ही नहीं था, वो तो गर्भ में था लव, तभी वो वाल्मीकि आश्रम में चला गया था, वहां पर पैदा हुआ, वहां पर कुछ पैदा हुआ, वहां पर बड़े हुए। और जब चक्रवर्ती बनने के लिए राम ने घोड़ा पूरे भारतवर्ष में भेजा कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा इसका मतलब वो मेरा शत्रु है, और शत्रु को परास्त पूरे भारतवर्ष में करूं और मेरे कोई शत्रु हो ही नहीं, सब पर विजयी हूं, तब मैं चक्रवर्ती कहला सकूंगा। ऐसा पहले चक्रवर्ती बनने के लिए क्रिया करनी पड़ती थी। और वह घोड़ा दौड़ता दौड़ता वहां पर पहुंचा, उनके पीछे फौज रहती थी, लव ने उस लगाम को पकड़ लिया, घोड़ा रुका तो सूचना मिली अयोध्या में राम युद्ध करने के लिए आए और उन्होंने युद्ध किया। और युद्ध घनघोर युद्ध, राम जैसा विश्वामित्र का शिष्य और लक्ष्मण के साथ में लव कुश से जब युद्ध किया तो लव और कुश दोनों हनुमान और राम और लक्ष्मण को दोनों को बांध करके एक पर गिरा दिया, छटपटा रहे बंधे हुए, और मां को कहा कि चक्रवर्ती बनने का जो स्वांग कोई अयोध्या के राजा रच रहे थे उन्होंने उनको बांध करके एक पर पटक दिया। सीता विफल होगी, दौड़ करके एकदम से आई कि ये इन बच्चों ने क्या कर दिया, देखा तो फड़फड़ा रहे दोनों, बांध रहे राम को, राम बंधे हुए, लक्ष्मण बंधे हुए, उनकी वीरता दरी की दरी रह गई। सीता ने कहा तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारे पिता है? उन्होंने कहा ऐसे पिता नहीं हो सकते जो मेरी माँ को उठा करके जंगल में फेंक दे, मगर एक आपने मुझे ज्ञान दिया है, ये ज्ञान दिया है कि हमें शिष्यवत रहना है, शिष्यत्व बनना चाहिए, और इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इनको मन से मोक्ष करता हुआ इनके चरणों में अपने आप को प्रणिपात करता हूँ। ये एक छोटी सी कथा है, मगर इस छोटी सी कथा के पीछे तक तात्पर्य यह है कि शिष्यत्व अपने आप में बल, बुद्धि, साहस और शौर्य का प्रतीक होता है। केवल उसके हृदय में केवल क्षमा और सेवाई नहीं होती, बल भी होता है, साहस भी होता है, क्षमता भी होती है और अपराजय भी होती है। चारों चीजों से मिलकर के शिष्य शब्द बनता है। अपराजय का मतलब है पराजय जिंदगी में हो ही नहीं, और बल का मतलब है शौर्य, साहस। बल का मतलब ये नहीं दूसरों से युद्ध करें, इतना साहस, इतनी क्षमता कि मैं जो कुछ करूंगा करूंगा ही, हर हालत में करूंगा और मैं करके दिखा दूंगा। बुद्धि का मतलब है कि उस कार्य को किस प्रकार से किया जाए उसमें बुद्धि का प्रयोग हो। और चातुर्य का मतलब है कि इतनी चतुराई के साथ कार्य हो कि दूसरे लोग एहसास कर सके कि वास्तव में यह एक श्रेष्ठ स्तर से कार्य किया गया है। इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर के हनुमान से अनुमत से ग्रंथ लिखा गया, उस श्लोक का एक श्लोक आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। शिष्योर्वदाम शिष्य सदैव देहम प्राणम च आत्मा भवतेव ज्ञानम चिंत्यम विचिंत्यम यो निर्मदेव श्रेष्ठत्व रूपम शिष्यत्व देव्यम। हनुमान ने कहा कि शास्त्र बिल्कुल सही है, और जो शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ व्यक्ति मनुष्य देह धारण करता है, बड़ी मुश्किल से यह शरीर मिलता है, यह देह मिलती है, और मनुष्य देह की विशेषता यह है कि मनुष्य ही सोच सकता है, समझ सकता है, आनंद ले सकता है, देवता नहीं ले सकते, राक्षस भी नहीं ले सकते, इसलिए बड़ी कठिनाई से यह शरीर मिलता है जिसको हमने सबसे तुच्छ समझ रखा है, क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि इस मनुष्य देह हमने क्यों लिए, क्या इसकी विशेषता है, कि जो कुछ प्राप्त करना है इस मनुष्य देह के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और किसी देह के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। और इस पहले श्लोक का और पहले श्लोक की पंक्ति का अर्थ उस योद्धा में कहा है कि जो ही हम शिष्य बनते हैं तो 84 लाख योनियां घट करके केवल 4 योनियां बच जाती हैं, बाकी सारी योनियों को अपने आप पार कर लेते हैं, बाकी सारी योनियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आगे आने वाले समय में फिर हम 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, फिर केवल 4 योनियां बाकी रह जाती हैं यदि हम केवल शिष्य से विभूषित होकर के समाप्त हो जाएं, आगे काम नहीं भी करें, हमने कोई दीक्षा ले ली, किसी गुरु के चरणों में अपने सिर को झुका दिया,
और इतना करने से ही 84 लाख योनियां अपने आप केवल 4 योनियों में विभक्त रह जाती है। हो सकता है मृत्यु हो जाए तो फिर 4 योनियां और भटकने के बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इस गुरु शब्द से या गुरु चरणों में सिर झुकाने से इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। और हनुमान ने कहा है कि यह उपलब्धि जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि इसलिए है कि उन 4 योनियों को भी इसी देह में समाप्त कर सकते हैं जिससे मनुष्य देह समाप्त हो ही नहीं, जिससे मनुष्यता से समाप्त हो ही नहीं। इसलिए इस श्लोक की पंक्ति में पहली बार कहा है कि शिष्य का तात्पर्य है पूर्ण आलस्यहीन होने की क्रिया। और हनुमान ने कहा है कि मेरा उदाहरण में इस बात का साक्षी हूं कि एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा जहां मैंने प्रमाद किया हो, प्रमाद का मतलब आलस्य किया हो, जहां मुझे राम ने आज्ञा नहीं दी पर मुझे मालूम पड़ा कि ये समस्या मेरे स्वामी के मेरे गुरु के बीच में आ रही है। मंदो गुरुपद चरण कमल पूर्ण भवत भवदेह। हनुमान कह रहे हैं कि मैं उन गुरु के, राम का नाम नहीं लिया वहां, मैं गुरु के चरण कमलों में अपने आप को प्रणिपात करता हुआ यह हनुमत सेवक ग्रंथ लिख रहा हूं। वहां उन्होंने राम और सेवक का नाम नहीं लिखा, हनुमान और राम को बीच में नहीं लाए, गुरु और शिष्य को बीच में लाए। उन्होंने कहा इससे ज्यादा पवित्र संबंध संसार में नहीं। और शिष्य का सबसे बड़ा क्वालिटी, अगर एक शिष्य भगवान की तरफ पूजा जाए, यदि एक शिष्य जीवन में बहुत ऊंचाई पर उठ जाए, यदि एक शिष्य पूरा विश्व उनको ध्यान करने लग जाए, पूजा करने लग जाए, और आप देखेंगे कि संसार के प्रत्येक देश में, चाहे ईसाई देश है चाहे मुसलमान देश है, हनुमान के मंदिर अवश्य है। दुबई में भी और कोई मंदिर नहीं, राम का कृष्ण का मंदिर नहीं है, हनुमान का मंदिर है और लोग वहां हनुमान की पूजा करने जाते हैं। मुसलमान देशों में भी, ईसाई देशों में भी, चाहे उनका धर्म अलग है, क्योंकि हनुमान अपने आप में शिष्य का एक प्रतीक बन गए हैं। और जो आपके मन में जो ये चित्र बनाया हुआ है कि हनुमान है, हनुमान की तरह मुंह है, उसके पीछे पूंछ है, ये केवल प्रतीक है। वह तो एक जाति, हनुमत एक जाति थी उसमें, और जिस प्रकार से हमारे ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वनवासी जाति है, आदिम जाति है, यादव जाति है, उसी प्रकार से ये बानर जाति थी, और वह भी उसी प्रकार से मनुष्य थे जैसे तुम और मैं हैं। उसी प्रकार का चेहरा था, उसी प्रकार के हाथ और पांव थे। हमने फिर वानर का शब्द बंदर समझ लिया, बंदर समझ के पूंछ पीछे लगा दी। न तो उनकी पूंछ थी, न उनकी कोई पूंछ की भावना थी, मगर हमने धीरे धीरे उनको, हनुमान को वानर थे, वानर की पूंछ होनी चाहिए, चित्रकार ने पूंछ लगा दी, हमने उनको पूंछ को समझ ली। किसी जाति के पीछे अपने आप में पूंछ लगाने की क्षमता उस समय तो थी नहीं, त्रेता युग में तो थी नहीं, आगे जाके पूंछ कब लगी यह मुझे मालूम नहीं। मगर ये मुझे मालूम है कि महाभारत युद्ध में भी अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि मैं विजयी होना चाहता हूं, क्या करूं, तो उसने कहा तुम्हारे ध्वजा पर हनुमान को स्थापन करो। उस समय कृष्ण ने एक ही लाइन कही कि तुम्हें अगर विजय प्राप्त करना है तो ध्वजा पर हनुमान को स्थापन कर दो, जिससे कि प्रत्येक क्षण हनुमान तुम्हारी आंखों के सामने रहे। उस हनुमान पर जो, उस ध्वजा पर जो हनुमान का चित्र लगा है वो मानवाकृति में है, वो पूंछ की आकृति में नहीं है। या मैंने एक आपके चिंतन को स्पष्ट किया कि वो अपने आप में एक मनुष्य रूप में विद्यमान थे। तो उन्होंने कहा कि जीवन में मैंने राम की आज्ञा सुनी या नहीं सुनी, मगर मुझे मालूम पड़ा कि राम को अही रावण लेके गया पताल में, मुझे पता ही नहीं कब उठा के ले गए। ले अही रावण पताल सिधारो, ताही बलि सो त्रास दियो। और जो ही उनको राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए अही रावण तैयार हुआ, और त्यों ही हनुमान वहां पहुंच गए, क्योंकि वो शिष्य था। उसका तात्पर्य यही था कि मैं बिना आलस्य के अपने गुरु को रक्षा दूं, उनके लिए जीवन समर्पित करूं। जीवन समर्पण करना शिष्य का पहला कर्तव्य, पहला धर्म। शिष्य का पहला कर्तव्य आलस्य विहीन होना, शिष्य का दूसरा कर्तव्य है उस गुरु की रक्षा करना, गुरुत्व की रक्षा करना। मैं फिर शब्द कह रहा हूं, राम की रक्षा करना नहीं, नारायण श्रीमाली की रक्षा करना नहीं, गुरु की रक्षा करना। और रक्षा करने के लिए सीधे पताल लोक में गए और उस अही रावण को समाप्त करके राम लक्ष्मण को कंधे पे उठा करके वापस अपने स्थान पर लेके आए। उसमें कोई राम ने आज्ञा नहीं दी थी, राम ने ये नहीं कहा था देखो मुझे पता लेके जा रहे हैं तुम पीछे आओ और मुझे छुड़ा के ले जाओ, ऐसा नहीं कहा था। वो अपने आप में बिल्कुल सचेष्ट था, सतर्क था कि कहां मेरे गुरु हैं, कहां मेरे स्वामी हैं,
कहां है और वो किस जगह है, किस स्थिति में है और मुझे क्या करना है, इसको चतुराई कहते हैं। जो बारह में चारों चीजें कही उनका तात्पर्य यह था, चतुर का मतलब है कि उसकी पहली दृष्टि रहती है कि वो कहां पर है और किस स्थिति में है और किस स्थिति में है, उनको मेरा क्या कर्तव्य है उस समय, और उस स्थिति को प्राप्त करना, उनको अपने आप में सेफ करना, उनको सुरक्षित करना बल का पर्याय है। इसलिए मैंने कहा बुद्धि और बल, तुलसीदास ने कहा है कि बल बुद्धि की नाई, मैं आपको गुरु की नाई, बल और बुद्धि में आप तेज है, साहसी है, इसलिए आप सही अर्थों में शिष्य हैं। आप एक क्षमता है, बल है, और बल का तात्पर्य है कि कार्य करने की चतुराई, युद्ध नहीं, किस प्रकार से वह कार्य करूं जिससे कि वह गुरुत्व बचा रह सके, और हर हालत में गुरुत्व को बचा इसलिए रखना है कि मुझे वो चारों योनियां समाप्त करनी है, और चारों योनियों के समाप्त करने में और कोई संसार में सहायक नहीं हो सकता है, न राम न कृष्ण न बलदेव न इंद्र न वरुण न यम न कुबेर, उन चार योनियों को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। अगर वे कर सकते तो फिर वे स्वयं किसी गुरु को धारण नहीं करते, ऐसा कोई देवता नहीं हुआ जिन्होंने गुरु को धारण नहीं किया, चाहे इंद्र हो, इंद्र ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया और बस कहा कि ओम बृहस्पति अति दुर्जा मरे हाथ मधु आदि मजने को यदि दैच्छ वस तत प्रजाम तान गुरुत्वम सह। यजुर्वेद कह रहा है कि इंद्र कह रहा है जो देवताओं का राजा है और सभी देवताओं के साथ में आकर के बृहस्पति के सामने कह रहा है कि हम बार बार मन से और शरीर से पराजित हो रहे हैं और हम जीवित जागृत और उच्च कोटि के देवता तभी बन सकेंगे जब आप पूर्ण रूप से गुरुत्वमय रूप में हमें अंदर स्थापित हो सकेंगे। बृहस्पति अति है दर्जो अरे हाद्य मध्य, मेरे अंदर के विकार, मेरे अंदर का आलस्य हमें दूर करिए, अन्यथा राक्षस हम पर हावी होकर के समाप्त कर देंगे।